Hi super fans, I'm Swapnil and ये है The Wolverine का complete breakdown with hidden details and Easter eggs. Heartbroken Logan की solo journey जो उसे लेके जाती है जापान में एक old friend को आखिरी बार मिलने, लेकिन वो फंस जाता है एक ऐसी battle में जहाँ involved है ninjas and जहर उगलने वाले villains. मतलब literally life, death and immortality की इस battle में क्या Logan survive कर पाएगा जब उसका सामना होगा silver samurai से. Welcome back to my series Road to Deadpool and Wolverine, जहाँ मैं back to back every week ब्रेकडाउन कर रहा हूँ एवरी एक्समैन मूवीज का. तो अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉइलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन. अब इस मूवी की शुरुआत टाइमलाइन में होती है एक्समैन द लास्ट स्टैंड में वुल्वरीन के उसके लव जीन ग्रे को अपने ही हाथों से मारने एंड एक्समैन से सेपरेट हो जाने के 7 साल बाद. लोगन अब पीस की तलाश में कैनेडियन जंगल्स में रहता है, बट उसका फर्स्ट लुक हमें देखने मिलता है उसी के ड्रीम में फ्लैशबैक सीन के थ्रू 1945 के नागासाकी जापान में. ये एग्जैक्ट डे है 9th अगस्त 1945, क्योंकि इसी दिन जापान में वर्ल्ड का सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जो 6th अगस्त के हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट के 3 दिन बाद हुआ था. यही रीजन है कि यहाँ अमेरिकन प्लेन्स को आते देख सोल्जर्स इतना बौखला जाते हैं, बिकॉज उन्हें ऑलरेडी पता है कि अब क्या होने वाला है. यही एक जापानी सोल्जर रियलाइज करता है कि इस मोमेंट पे जिसे भी बचाया जा सकता है उसे बचाया जाना चाहिए, एंड वो बाकी अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को भागने देता है. ये है इचिरो याशिदा इस मूवी का मेन एंटेगनिस्ट, तो ये फिर से दिखेगा ही, तब इसकी बात करेंगे. लेकिन यहीं पे कैप्चर्ड है लोगन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. इससे पहले उसे एंड विक्टर को हमने इसी तरह की बैटल्स में लड़ते देखा था, एंड उन्हीं में से एक में वो यहाँ कैप्चर हो चुका है. उसे रखा गया है एक टॉर्चर केज में, एंड जब हम उसे देखते हैं तब वो अपने क्लॉज की मदद से ऊपर तक आ चुका है, विच मीन्स कि वो ऑलरेडी भागने वाला था. बट इचिरो आके जब उसका केज ओपन करके उसे भागने को बोलता है तो वुल्वरीन कहता है कि 2000 B-29 एंड भागने का कुछ फायदा नहीं है. ये प्लेन मॉडल्स रियल वर्ल्ड में अमेरिकन आर्मी ने यूज किए थे जापान पे एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए. हिरोशिमा में ड्रॉप हुआ था 15 किलोटन का बॉम्ब नेम्ड लिटिल बॉय एंड नागासाकी में 25 किलोटन का एटॉमिक बॉम्ब नेम्ड फैट मैन. यहाँ बाकी जापानीज सोल्जर्स अमेरिकन बॉम्ब से मरने की बजाय खुद को मार लेते हैं. जापानीज में इसे कहते हैं सिपाकू, जहाँ वो अपनी शॉट से खुद की जान लेते हैं. मूवी की क्लाइमैक्स फाइट से ठीक पहले वुल्वरीन इसी तरह से एक रिवर्स सिपाकू करते दिखेगा. जब ना चाहते हुए भी इचिरो भी खुद को मारने वाला होता है तो वुल्वरीन आके उसे रोकता है और अपने अंडरग्राउंड प्रिजन में ले जाता है बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने. बाहर बॉम्ब गिर के ब्लास्ट होते हुए दिखते हैं. ऑल्दो ये सीन फैक्चुअली रॉन्ग है, बिकॉज एक्चुअल प्लेन्स जिन्होंने बॉम्ब्स गिराए थे वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे उड़ रहे थे, जिन्हें जमीन से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. प्लस बॉम्ब्स डेटोनेट भी हुए थे 0.5 किलोमीटर ऊपर की हाइट पे, ताकि फायर ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके. लेकिन यहाँ बॉम्ब ऑलमोस्ट जमीन पे गिरने के अराउंड फूटते दिखते हैं. बैक टू स्टोरी, वुल्वरीन इचिरो को ब्लास्ट से बचाता है अपनी खुद की बॉडी को एज अ शील्ड यूज करके. ऑल्दो फनी थिंग इज वुल्वरीन की पूरी बॉडी जल जाती है एंड इवन उसके नीचे इचिरो पे भी बर्न मार्क्स दिखते हैं, लेकिन वुल्वरीन की पैंट को कुछ नहीं होता. कौन सा मटेरियल था ये? पिछले पार्ट में एक्सपेरिमेंट के बाद वुल्वरीन को न्यूड दौड़ते हुए दिखाया गया था, बट यहाँ जो फैक्चुअली सही चीज दिखाई जा सकती थी वो नहीं की गई. मूविंग ऑन, वुल्वरीन फ्लैशबैक से आता है रियलिटी में, जहाँ उसके साथ में है जीन ग्रे, एंड ऑफकोर्स ये भी उसी के सपने का ही पार्ट है. एंड जब वो जीन को सपने में अपने क्लॉज से मारता है तो जाके फाइनली उसकी नींद खुलती है, एंड उसके उठते टाइम हम उसके मेटल क्लॉज बाहर निकले देख सकते हैं. कॉल बैक टू पास्ट के ऐसे ही मोमेंट्स जहाँ पे नींद में उसके साथ ये पहले भी हुआ था. वो उठ के अपने सामान से रेडियो उठाता है. यहाँ पीछे रखी है स्टैनलीज विस्की, जो रेफरेंस है लेजेंडरी स्टैनली का, बट उनका इस मूवी में कैमियो नहीं दिखा. अब वुल्वरीन के जंगल से जाते टाइम एक ग्रिजली बेयर के पैरेलल चलते हुए उसे दिखाया गया है, एंड पेड़ों पर लगे निशानों से ये क्लियर है कि इस बेयर एंड वुल्वरीन की फाइट पहले भी हो चुकी है, जिसके बाद वो इस बीच से अपना अच्छा खासा स्पेस बना के चल रहा है. वुल्वरीन नहीं, बेयर. अब सिटी में घुसने पे उसे ट्रैक करते दिखती है एक लड़की, जिस पे थोड़ी देर में आते हैं. जहाँ से वो अपने रेडियो के लिए सेल्स खरीदता है वहीं दिखते हैं कुछ ओवर स्मार्ट हंटर्स जो ग्रिजली को मारने जा रहे हैं. उसी रात वुल्वरीन डिस्कवर करता है कि उन हंटर्स ने बेयर को अधमरा करके छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने कुछ कैंपिंग करती फैमिलीज पे अटैक करके उन्हें मार दिया. इस बेयर को मारा जाता है पॉइजन टिप्ड एरो से, जिस तरह के एरोस वुल्वरीन पे भी यूज किए जाएंगे मूवी की क्लाइमैक्स बैटल में, जो प्रूव करता है कि वो भी उस बेयर के लेवल का बीस्ट है. अब तड़पते बेर को मार के वो पहुंचता है एक बार में एंड उन्हीं हंटर्स को पनिश करता है, बिकॉज वो बैंड पॉइजन एरोज यूज कर रहे थे. ये बार फाइट कॉल बैक है उसकी क्लासिक बार फाइट का, जो हमने फर्स्ट एक्समैन मूवी में देखी थी, जिनमें से एक और फाइट हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखने मिलेगी. आई कैन बिलीव कि अब ओनली 1 मंथ का टाइम बचा है मूवी के लिए, एंड उससे पहले मेरी सीरीज में आने वाली नेक्स्ट मूवीज का ब्रेकडाउन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उनमें आती है लोगन, डेडपूल 1 एंड 2 एंड द न्यू म्यूटेंट भी. यस, ये मूवी भी मैं दोबारा देखने वाला हूँ सिर्फ
सिर्फ आप लोगों के लिए। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल्सो लाइक एंड शेयर भी कर देना बाकी मार्वल फैंस के साथ। मूविंग ऑन टू दिस बार फाइट वाला सीन, इनफैक्ट इससे पहले भी बेयर का पॉइजन एरो से मरना एंड इवन इस बार फाइट में उस हंटर का वुल्वरिन को ग्लास से हिट करना, ये सब कुछ एग्जैक्टली उठाया गया है वुल्वरिन इशू 1 कॉमिक से जो 1982 में आई थी। इसी फाइट में वुल्वरिन को अपने क्लॉज यूज करने से रोकती है वही जैपनीज गर्ल जिसका नाम है युकियो। युकियो भी वुल्वरिन के इशू 2 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। वो जैपनीज ओरिजिन की एक फीमेल निंजा है जो स्किल्ड है मार्शल आर्ट्स में एंड उसके स्पेशलिटी वेपन्स है शुरिकेन जिन्हें निंजा स्टार्स भी कहा जाता है। इस मूवी में युकियो को प्ले किया है एक्ट्रेस रीला फुकुशिमा ने, लेकिन डेडपूल मूवीज के लिए उन्हें रिकास्ट किया गया था। यहाँ वो अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल से बाकियों को डरा के कहती है कि वो हंटर्स 1 वीक में उनके ट्रक में ही मारे जाएंगे। अब उसकी ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर मूवी में एडिशनली ऐड की गई है, बट लोगन को इम्प्रेस करके वो उसे अपने साथ चलने को कन्विंस कर लेती है। गाड़ी में लोगन पिछली सीट पे देखता है एक फाइल जिसमें उसे ही ट्रैक करते हुए कुछ फोटोज हैं। ये फोटोज हैं एक्समैन द लास्ट स्टैंड के जीन के घर वाले फाइट सीन से, जिनमें से फर्स्ट फोटो है प्रोफेसर एक्स के साथ वुल्वरिन की जब वो जीन के घर जस्ट पहुंचे थे एंड सेकंड फोटो भी इसी मूवी की है बट शायद बिहाइंड द सीन्स की। अब युकियो उसे बताती है अपने मालिक याशिदा के बारे में जो उससे जापान में मिलना चाहता है, ना चाहते हुए भी अग्री करके वो उसके प्राइवेट जेट से उसके साथ जाता है। फ्लाइट में चढ़ते टाइम जब युकियो उससे पूछती है आर यू स्केर्ड, तो लोगन कहता है नो आई लव इट, जो बाय द वे सार्केज्म था क्योंकि वो फ्लाइट से डरता है, जिस चीज को पिछले एक्समैन मूवीज एंड इस मूवी के नेक्स्ट सीन में भी दिखाया गया है। जब डरता हुआ लोगन उससे पूछता है कि क्या वो इस प्लेन में मरेगा, तो युकियो कहती है नो नॉट ऑन दिस प्लेन, मतलब क्या वो प्रेडिक्ट कर रही थी कि लोगन किसी और प्लेन क्रैश में मरेगा। बट नो आई थिंक यहाँ प्लेन यानी एरोप्लेन की नहीं ऑल्टरनेट प्लेन यानी कि डायमेंशन की बात हो रही थी, बिकॉज लोगन मूवी के एंडिंग में उसकी डेथ होती है इस ट्री में इम्पेल होने से, बट वो इस सेम टाइमलाइन का लोगन नहीं एक ऑल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन वाला लोगन था। तो युकियो की इस बात को अगर मैं ओवरथिंक करूं तो वो प्रेडिक्ट सही कर रही थी। एंड हाँ, एक्समैन टाइमलाइन की कंफ्यूजिंग डिटेल समझनी है तो एंड स्क्रीन से मेरा एक्समैन टाइमलाइन वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब टोक्यो में हर जगह हमें याशिदा कंपनी के बोर्ड्स दिखते हैं, जिस तरह के बोर्ड्स हमें एक्समैन 97 एनिमेटेड शोज में भी देखने मिले हैं। उनके घर पहुंचने पे जब सिक्योरिटी लोगन को चेक करती है तो मेटल डिटेक्टर्स बीप करने लगते हैं जो लोगन के साथ पास्ट में मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। यही हमें दिखता है इचिरो का बेटा शिंगेन एंड शिंगेन की बेटी मारिको। कॉमिक्स में शिंगेन याशिदा वुल्वरिन के फर्स्ट इशू में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तो नहीं, लेकिन वो एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट और स्पोर्ट्समैन था। वहीं उसकी बेटी मारिको इंट्रोड्यूस हुई थी 1979 में द अनकैनी एक्समैन इशू 118 में एंड अगेन वो भी एक जैपनीज स्पोर्ट्स वुमन है। अब फाइनली वुल्वरिन मिलता है इचिरो से एंड इस रूम में जब वो घुसता है तो बाकी सबके मुंह पे मास्क है सिवाय वुल्वरिन के, मेनली बिकॉज उसका हीलिंग फैक्टर उसे शायद बीमारियों से भी इम्यून करता है, तो वो कोई बीमारी कैरी भी नहीं कर सकता। यहीं पे दिखती है उसकी डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर ग्रीन, जो है याशिदा के लिए काम कर रही म्यूटेंट वाइपर। 1969 की कैप्टन अमेरिका इशू 110 में वाइपर एके मैडम हाइड्रा इंट्रोड्यूस हुई थी। ओफेलिया सार्किसन नाम की एक सुपर ह्यूमन म्यूटेंट जो एक स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ वाइपर होने की वजह से उसके वेपन्स भी पॉइजन टिप्ड होते हैं, बट मूवी में उसे एडिशनली अपने मुंह से पॉइजन उगलते हुए भी दिखाया गया है। ऑल्सो डॉक्टर ग्रीन काफी ऑब्वियस बनाता है इस म्यूटेंट के नाम को बिकॉज वाइपर स्नेक्स का कलर ग्रीन होता है। इसी रूम में हमें देखते हैं वो पैरासाइट्स जो कुछ जार्स में रखे हैं। ये फिलहाल तो इचिरो को जिंदा रखे हुए हैं बट यही कुछ देर बाद लोगन को वीक करने के लिए यूज किए जाएंगे। इचिरो याशिदा उसे देखते ही बुलाता है कुजूरी, जो चीज उसने 1945 में लोगन की पावर्स देख के भी कही थी एंड आगे ये नाम मारिको भी उसके लिए यूज करेगी। जैपनीज वर्ड कुजूरी का मतलब है वुल्वरिन जो लोगन है। यही एक पेंटिंग को एक्सप्लेन करते हुए याशिदा कहता है कि वो उसके विलेज के ब्लैक क्लैन निंजास की है एंड ये ब्लैक क्लैन निंजास हमें मूवी में आगे दिखेंगे भी। अब उसका ऑफर काफी अजीब होता है क्योंकि वो लोगन को ऑफर करता है उसकी हीलिंग पावर्स खुद में ट्रांसफर करके उसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ देने की। यहाँ वो लोगन को कहता है कि विद टाइम ही विल बिकम रोनिन, अ समुराई विदाउट अ मास्टर। ऐसे समुराई को जो रोनिन बन गया था विदाउट अ पर्पस को हमने देखा था अवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई के रूप में, जहाँ बाय द वे वो जिस कार्टेल लीडर को मारता है उसे भी प्ले किया था एक्टर हिरोयुकी सनाडा ने, जो यहाँ शिंगेन का रोल प्ले कर रहे हैं। बट दिस शोज कि वो लोगन को कितने टाइम से ट्रैक कर रहा होगा ये समझने के लिए कि उसका मेंटल स्टेट क्या है। लोगन की हीलिंग उसे जिंदा रखती है जबकि उसके चाहने वाले विद टाइम मर जाते हैं या फिर मारे जाएंगे उसे और पेन देते हुए। यहाँ कुछ देर के लिए लोगन का मन बनता है उस नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को जीने का, बट देन वो याशिदा को मना कर देता है। बाहर मारिको अपने फादर शिंगेन के साथ झगड़ के बिल्डिंग से कूदने वाली होती है जिसे रोकता है लोगन। युकियो लोगन को एक रूम में रेस्ट के लिए ले जाती है जहाँ उसकी बैक स्टोरी लोगन इन फोटोज को देखते हुए सुनता है। युकियो एक ऑर्फन थी जिसे मारिको की फ्रेंड के रूप में याशिदा ने अपने साथ लाया था। देन युकियो उसे सोने को कह के निकल जाती है। याशिदा अपनी लास्ट विल में अपने बेटे शिंगेन की जगह मारिको को चेयरमैन बनाता है। कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था एंड मारिको ही आगे चल के याशिदा कॉर्पोरेशन की लीडर भी बनी थी। रात को सोते हुए वुल्वरिन के बेड साइड
ग्रेफाइट कप की फ्यूम्स ग्रीनिश कलर की है, हिंटिंग कि उसे ऑलरेडी पॉइजन किया गया है। एंड देन उसे फिर सपने में दिखती है जीन, जो स्विच होती है डॉक्टर ग्रीन में। उसे किस करते हुए डॉक्टर ग्रीन की आईज बिल्कुल मैच होती है वाइपर स्नेक की गोल्डन ब्लैक आई से। बट पॉइजन की बेहोशी से डिलेट जागने तक उसके रूम में कोई नहीं होता, बट बाहर शोर होता है। एंड देन यूकियो उसे बताती है कि इचिरो याशिदा मर गया, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट ना कर पाने की वजह से वो रोती भी है। बट ये यूकियो की पावर्स फेल होना नहीं, बट इचिरो का खुद की डेथ फेक करने की वजह से हुआ है, जिससे फिलहाल ये सब अनजान है। नेक्स्ट डे याशिदा के फ्यूनरल में रूफटॉप पे दिखता है किनुचियो हराडा। हराडा डेयरडेविल इशू 111 में 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड वो कॉमिक्स में बना था सिल्वर समुराई, वही सिल्वर सूट वाला म्यूटेंट जिसके पास अबिलिटीज है टेकियन एनर्जी फील्ड जनरेट करने की अपनी कटानास के थ्रू। एंड इस मूवी में हमें सिल्वर समुराई का एक अलग अडेप्टेशन देखने मिलता है, लेकिन वो हराडा नहीं है। यहाँ वो याशिदा का पर्सनल बॉडीगार्ड था, एंड अब वो मारिको को प्रोटेक्ट करने आया है। इसी फ्यूनरल में मारिको का फियांसी नोबोरो मोरी भी दिखता है, जो बेस्ड है कॉमिक्स के उसके हस्बैंड नोबोरो हिडिकी पे, जिसे वुल्वरीन इशू 1 में ही लोगन मारने वाला था क्योंकि उसने मारिको पे हाथ उठाया था, बट आगे चल के उसे मारा था यूकियो ने। एंड यहाँ भी नोबोरो एक शेडी कैरेक्टर ही है। यहीं पे हमें दिखता है सिल्वर समुराई का आर्मर भी, जो मैच करता है एग्जैक्ट कॉमिक्स से। इसी फ्यूनरल में अटैक करते हैं याकुजा क्लैन, जो मारिको को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, बट वुल्वरीन यूकियो और हराडा उनसे फाइट करते हैं। यहीं वुल्वरीन नोटिस करता है कि उसकी हीलिंग एबिलिटी स्लो काम कर रही है, एंड उसे रिकवर करने में टाइम लग रहा है। इसी सबको रिकॉर्ड करते हुए डॉक्टर ग्रीन दिखती है, जो एक याकुजा मेंबर को अपने पॉइजन से सरेआम मारती है, बट कोई और वो नोटिस ही नहीं करता। इसी सीन में एक फिल्मिंग मिस्टेक है, जब लोगन पे अटैक होता है और वो नॉकडाउन होता है, तो कैमरा लोगन के हाथों का क्लोजअप दिखाता है, जहां पर हम ह्यूज जैकमैन के हाथ में गोल्डन कलर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ये एक्चुअल में वो प्रॉप हैंडल है जो ह्यूज जैकमैन यूज करते हैं क्लॉज को होल्ड करने के एक्शन के लिए, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में इस सीन से वो रिमूव करना रह गया। अब लोगन एंड मारिको एक ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, जहां अगेन उन पे अटैक होता है, एंड हमें देखने मिलता है ये एपिक ट्रेन टॉप फाइट सीन। यहां लोगन नोटिस करता है सामने वाले के एक्सप्रेशंस, जब भी वो उसके पीछे आने वाले साइंस एंड सिग्नल्स को देख के डरता है और नीचे झुकता है, जिसे लोगन भी बिना देखे फॉलो करता है एंड खुद की जान बचाता है। लेकिन जब उनकी पोजीशन स्विच होती है, तब लोगन ऐसे ही फेक करता है एक साइन की जंप, जिसे बिना देखे उसका ओपोनेंट भी फॉलो करता है, बट वो मारा जाता है। फिर वो दोनों आते हैं एक शेडी होटल में, जिसकी बैल्कनी में लोगन को फिर से जीन की विजन दिखती है, जो अब उसे मर के उसके पास आने को कहती है। आई थिंक जागते हुए ये विजन आना इफेक्ट है वाइपर के पॉइजन की वजह से, बिकॉज जब पहले उसे जीन दिख रही थी तो वो उसकी ड्रीम्स में थी, जागते हुए नहीं। यही अगेन उनपे याकुजास अटैक करते हैं, एंड उसे विजन में दिखती है वाइपर एंड सिल्वर समुराई उस पे अटैक करते हुए, फोरशैडोइंग मूवी की क्लाइमैक्स बैटल। बट उसे मरने से बचाती है मारिको रूम कीज एंड कुछ और ऑब्जेक्ट्स थ्रो करके, क्योंकि बचपन में वो नाइव्स थ्रोइंग चैंपियन रह चुकी है, जो वो आगे चल के लोगन को बताती है। जब लोगन को होश आता है तो वो उसी होटल ओनर की बेटे के क्लिनिक में होती है, एंड उसकी बुलेट्स निकालता है एक वेटरिनेरियन स्टूडेंट। एंड यस, वुल्वरीन एक बीस्ट है, तो उसका इलाज वेट के थ्रू करवाना सही भी था। ऑल्सो बेहोशी में उसने इस डॉक्टर को कुछ कट्स भी दिए हैं, जो उसके डरे हुए बिहेवियर एंड हाथों पे लगे बैंडेजेस से कंफर्म होता है। बट अब तक लोगन समझ जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी रीजन डॉक्टर ग्रीन है। डॉक्टर ग्रीन यानी वाइपर पहुंचती है हराडा से मिलने, जहां उसके साथ खड़े एक आदमी ने स्पाइडरमैन लोगो की हैट पहनी है, एक टोटली रैंडम रेफरेंस टू स्पाइडरमैन। यही क्लियर होता है कि हराडा याशिदा की वजह से डॉक्टर के साथ काम कर रहा है, एंड अब वो उसके थ्रू लोगन को पकड़ना चाहती है। मारिको लोगन को लेके आती है अपने पुराने घर में, जो लोकेशन है नागासाकी। यही किचन में हम यूकियो एंड मारिको की बचपन की फोटोज देख सकते हैं, जिस तरह की फोटोज लोगन ने यूकियो की बैक स्टोरी सुनते टाइम देखी थी। प्लस यही हराडा की भी फोटो दिखती है मारिको के साथ, कंफर्मिंग कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बट ग्रैंडफादर ने उन्हें शादी करने नहीं दी। लोगन यहां उसके फियांसी को बुलाता है नोस्ट्रोमो नाम से, जो कि गलत नाम है, बट ये नाम है राइटर जोसेफ कॉनराड की 1904 में लिखी एक पॉपुलर नॉवल का। ये भी बेस्ड थी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पे, रेफरेंसिंग नोबोरो मोरी, जो एक पॉलिटिशियन ही है। यही वो याशिदा की विल में कंपनी उसके नाम होने की बात भी लोगन को बताती है। एंड आई थिंक याशिदा जानता था कि मारिको की लाइफ खतरे में पड़ने पे लोगन उसे बचाने की कोशिश करेगा एज अ लास्ट विश, जो उसके नॉट सो डेड फ्रेंड ने उसे बताई थी। एंड यही चीज उसे मौका देगी लोगन को कुछ और दिन जापान में रखने का, ताकि वो उसे पकड़ पाए उसकी हीलिंग पावर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे लोगन विजिट करता है एग्जैक्ट उस पिट को, जहां वो कैप्चर्ड था 1945 में। एंड फ्लैशबैक में याशिदा लोगन को अपनी जान बचाने के अगेंस्ट ऑफर करता है उसकी स्वॉर्ड, वही स्वॉर्ड जो यूकियो ने भी लोगन से मिलते ही उसे ऑफर की थी और गाड़ी की पिछली सीट पे थी, बट उसने दोनों टाइम मना कर दिया था। ऑल्दो यही सेम स्वॉर्ड हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास में लोगन के कॉन्शियस टाइम ट्रेवल के बाद उसके बेडरूम में दिखती है, कंफर्मिंग कि वो ये स्वॉर्ड इस मूवी की एंडिंग में ले गया होगा। इस स्वॉर्ड पे जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है नेवर डाइड नेवर एज्ड नेवर डिस्ट्रॉयड, जो रेफरेंस है वुल्वरीन की पावर्स का। बैक होम लोगन एंड मारिको साथ में सोते हैं, एंड अगेन उसके ड्रीम्स में जीन आती है फॉलोड बाय सिल्वर सैमुराई अटैक। वहीं पैरेलली यूकियो को एक विजन आती है, जिसमें वो फोरशैडो करती है लोगन की डेथ, बट इसी मूवी के क्लाइमैक्स सीन के हिसाब से। हाउएवर इस विजन को एक बार सुनो। See you on your back. There's blood everywhere. You're holding your own heart in your hand.
जो उसने यहाँ प्रेडिक्ट किया था वो हमें 2017 की लोगन में देखने मिलेगा, जिसका ब्रेकडाउन बाय द वे मैं नेक्स्ट वीक करूंगा। बट यहाँ लोगन खून से लथपथ दिखेगा, जिसके हाथ में है उसका हार्ट X23 यानी लॉरा के रूप में। नेक्स्ट सुबह युकियो उन्हें इन्फॉर्म करने पहुंचती है, लेकिन तब तक ऑलरेडी मारिको को याकुजास कैप्चर करके ले जाते हैं। इसी चेज में लोगन के राइट थाई में गोली लगती है, प्लस ट्रेन फाइट में भी उसके राइट थाई पे ही नाइफ मारी गई थी। एंड मे बी ये इंजरी जो उसकी हीलिंग पावर्स ना होने के टाइम हुई थी शायद परमानेंट हो गई थी, जो चीज लोगन मूवी में अगेन एडमेंटियम पॉइजनिंग की वजह से प्रोमिनेंट हो जाती है। एंड शायद इसी रीजन से वो लंगड़ा के चलते हुए दिखता है। याकुजा के एक आदमी से लोगन को पता चलता है कि इसके पीछे है मारिको का फियांसी नोबुरु। एंड युकियो उसे अपने साथ नोबुरु के पास ले जाती है, जिसे थ्रेटन करके लोगन पता करता है कि इस सब के पीछे मारिको का फादर शिनगन ही है। मारिको को लाया जाता है उसके फादर के पास उनके घर, एंड यहीं पे हमें क्लियर होता है कि ये एम्पायर पाने के लिए वो उसे मारना चाहता है। तभी हराडा यहाँ आता है अपने निंजा ब्लैक क्लैन के साथ, जिनके साथ में होती है वाइपर भी। फनीली इस सीन में जब वाइपर अपना ग्लव्स निकालती है तो कट सीन में उसे दो बार सेम हाथ से ग्लव्स निकालते हुए दिखाया गया है। You. Me. ऑफ कोर्स एडिटिंग मिस्टेक। देन एक पेन को लिख करके वो उसे स्ट्राइक करती है, जो शिनगन को अधमरा कर देता है। लोगन एंड युकियो भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक मारिको को वो अपने साथ ले जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक लोकेशन की फोटो, जो वही लोकेशन है जहाँ पे याशिदा पैदा हुआ था। एंड इसी सेम लोकेशन की फोटो लोगन ने एक फाइल में भी देखी थी जब वो जस्ट याशिदा के घर आया था। यहीं पे खाली जार्स देख के जिसमें उसने पहले पैरासाइट नोटिस किए थे, वुल्वरीन समझ जाता है कि वो पैरासाइट अब उसकी बॉडी में है। वो याशिदा की स्कैनिंग मशीन यूज करता है अपने हार्ट से चिपके पैरासाइट को ढूंढने के लिए, जहाँ हम उसके बोन्स की एडमेंटियम कोटिंग शाइन करते हुए नोटिस कर सकते हैं। फिर वो अपने ही क्लॉ से खुद की चेस्ट को कट करके वो पैरासाइट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एंड इमीडिएटली युकियो उसे अपनी विजन याद दिलाती है एंड कहती है कि वो कभी भी गलत नहीं होती। बट वुल्वरीन उसकी बात नहीं सुनता एंड तभी उन पे अटैक करता है अधमरा शिनगन। एंड लोगन को डिफेंड करती है उसके बॉडीगार्ड के रूप में युकियो। अब पैरासाइट एक्सट्रैक्ट करते ही लोगन क्लिनिकली मर जाता है, जो ईसीजी मशीन पे दिखता है, प्रूविंग अगेन कि युकियो के फ्यूचर प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते। लेकिन क्योंकि उसकी हीलिंग एबिलिटी उसे फिर से लास्ट मोमेंट पे रिवाइव करती है, एंड वो युकियो को बचाते हुए उठता है एंड शिनगन को मार देता है। इसी सीन में हमें वो रिवर्स सिपाकू देखने मिलता है, जब वो अपनी चेस्ट से स्वॉर्ड निकालता है। साथ ही में नोटिसेबल थिंग है कि मूवी की स्टार्टिंग में लोगन जीना नहीं चाहता बट मर नहीं पाता। हाउएवर मूवी के एंड तक लोगन के पास मारिको के एंड युकियो के रूप में कुछ फ्रेंड्स हैं, जो उसके लिए जीने का अगेन एक रीजन है, एंड इसीलिए वो ये रिवर्स सिपाकू करता है। युकियो यहीं पे नोटिस करती है कुछ प्रोटोटाइप डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहे हैं इस न्यू सिल्वर सैमुराई सूट को। कॉमिक्स में ओरिजिनल सिल्वर सैमुराई एक ट्रेडिशनल लुक वाला कॉस्ट्यूम था, बट यहाँ दिखा मैच करता है हराडा के बेटे शिनगन शिन हराडा के कॉस्ट्यूम से, जो सेकंड वर्जन था सिल्वर सैमुराई का। जाने से पहले लोगन यहाँ से एक सिगार और एक बाइक लेके निकलता है। ऑफ कोर्स दोनों ही चीजें उसके ट्रेडमार्क्स रहे हैं पास्ट मूवीज में भी। दूसरी तरफ फैसिलिटी में मारिको को बेहोश करती है वाइपर अपने पॉइजन से, जो इस टाइम दिखती है उसके कॉमिक्स एक्यूरेट सूट में। वो हराडा को भी देती है अपने पॉइजन की एक वायल, जिसमें डिप्ड एरोज यूज करके ब्लैक क्लैन वुल्वरीन को एंटर होते हुए रोकेगा। हराडा जब लोगन को टाउन में एंटर करने से रोकता है, तो लोगन उससे कहता है ये सेम वर्ड्स वो यूज करता है साइक्लॉप्स के लिए भी एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज में। इसी फाइट में जब वो निंजा से घिरता है, युकियो के लाए ट्रक की पेट्रोल टैंक को ब्लास्ट करके वो उन्हें मारता है। एंड इसी ब्लास्ट की आग से वो लाइट करता है अपना वही सिगार, कॉल बैक टू एक्समैन द लास्ट स्टैंड, जिसकी स्टार्टिंग के बैटल में हमने उसे ऐसे ही फाइट में अपना सिगार जलाने की कोशिश करते हुए देखा था। जब मारिको अगेन वाइपर से मिलती है, तो हमारा डाउट क्लियर करते हुए वो कहती है, Why do you think the old man chose you? Because you're strong or because you're weak? Yes, वीक मारिको को बचाने लोगन जरूर आएगा। एंड यही याशिदा की स्ट्रेटेजी थी लोगन को यहाँ तक लाने की। जब लोगन को होश आता है, तब वो एक मशीन पे ट्रैप्ड होता है एंड उसकी ड्रीम्स में हमें कुछ आवाजें सुनने मिलती हैं। इनमें पहली आवाज है मारिको की किडनैपिंग के टाइम की, जब वो लोग नागासाकी में थे, एंड दूसरी आवाज है जीन ग्रे की द लास्ट स्टैंड क्लाइमैक्स बैटल में, जब वो लोगन को उसे मारने की हिंट देती है। यहीं पे वाइपर उसे बताती है कि वो प्लान कर रहे हैं उसकी इमॉर्टैलिटी को एक्सट्रैक्ट करने का, बट उससे पहले उसके ओपन क्लॉथ को ट्रैप करके वो रिवील करती है उसके एसोसिएट द सिल्वर को, जिसका सूट टोटली बना हुआ है एडमेंटियम का। मारिको अपने कैप्चर्ड रूम में हराडा से बात करते टाइम उसे स्टैप करके भागती है एंड सिल्वर समुराई को डिस्ट्रैक्ट करती है, जो अपनी सुपर हीटेड कटाना के थ्रू वुल्वरीन के क्लॉज जस्ट काटने ही वाला था, बट इसी से वुल्वरीन फ्री होता है और फाइट करता है। हराडा भी अपनी गलती समझ के वाइपर को उसी के पॉइजन एरो से शूट करता है, बट वो बच जाती है बिकॉज वो अपने पॉइजन से इम्यून है। लेकिन वो अपनी स्किन सांप की केंचुली की तरह निकाल फेंकती है, लेकिन तभी उसे रोकने आती है युकियो। सिल्वर समुराई यहाँ वुल्वरीन के राइट हैंड के क्लॉज कट करके जब लेफ्ट हैंड
की तरफ जाता है तो हराडा उसे एरो से हिट करता है एंड बात करने के लिए नीचे भी उतरता है, प्रूविंग कि हराडा को पता था कि इस सूट के अंदर कौन है। बट वो जो भी है वो उसे मार देता है। अब लोगन के हाथ में लगती है कटाना, जिसे जब वो दोनों हाथों से पकड़ता है तब जाके वो ग्लो करती है, कॉल बैक देते हुए नागासाकी के पिट वाले इस सीन का। देन उसी कटाना की मदद से वो इस सूट के हेलमेट को काट देता है। बट फाइट में जब लोगन गिरने लगता है तो उसके दूसरे हाथ के क्लॉज को भी सिल्वर समुराई काट के उसके बोन मैरोस के थ्रू उसकी पावर्स एक्सट्रैक्ट करते हुए उसे ऊपर उठाता है। एंड यहीं पे रिवील होता है कि इचिरो याशिदा जिंदा है एंड वही सिल्वर समुराई है। उसकी पावर्स एक्सट्रैक्शन के साथ इचिरो यंग दिखने लगता है, बट उसके फेस पे ये बर्न मार्क्स फिर भी दिखते हैं जो उसे बॉम्ब ब्लास्ट में मिले थे। बट प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही मारिको लोगन के ब्रोकन एडमेंटियम क्लॉज से उसे हिट करती है एंड गुस्से में लोगन फिर ग्रो करता है अपने बोन क्लॉज, जिनसे लास्ट स्टैप करके सायोनारा कह के वो मारते हुए उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन वीकनेस से वो फिर बेहोश होता है एंड देन एक आखिरी बार फिर से हेलुसिनेशंस में वो देखता है जीन को, जिसे वो फाइनली गुड बाय कहता है एंड उसे कहता है कि उसे मारना उसकी मजबूरी था बिकॉज वो दूसरों को हर्ट कर रही थी। ये कहते हुए वो खुद को एक क्लोजर देता है एंड मूव ऑन करता है जीन से भी एंड जापान से भी। मारिको बन जाती है याशिदा कॉर्पोरेशन की सीईओ एंड वुल्वरीन को आखिरी बार गुड बाय कहने वो आती है एयरपोर्ट पे। वुल्वरीन और युकियो जब प्लेन में चढ़ते हैं तो युकियो उसे फिर याद दिलाती है कि वो उसकी बॉडीगार्ड है एंड यहाँ से अपनी नेक्स्ट अननोन डेस्टिनेशन की तरफ वो निकल पड़ते हैं जहाँ मूवी खत्म होती है। ऑल्दो इस मूवी की एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है जहाँ पे युकियो लोगन को एक गिफ्ट देती है इसी प्लेन में। इसमें है उसका कॉमिक्स एक्यूरेट सूट, जिस तरह का सिमिलर सूट हमें देखने मिल रहा है डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी। ऑल्दो इस बैग में दिखा हुआ सूट येलो और ब्राउन कलर का था, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें येलो और ब्लू कलर का सूट देखने मिलेगा। बट देन इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पे वुल्वरीन हमें दिखता है 2 साल बाद एयरपोर्ट पे। यही टीवी पे उसे दिखती है टास्क इंडस्ट्रीज की एडवर्टाइजमेंट, जो कंपनी है उसी बॉलीवुड टास्क की जो क्रिएट कर रहा है सेंटिनल्स, जो फ्यूचर में इस वर्ल्ड को डार्क कर देंगे। अगेन मेटल डिटेक्टर की जगह वो पैट डाउन करने को कहता है, जो ऑब्वियस है कि वुल्वरीन मेटल डिटेक्टर्स अवॉइड ही करेगा। इवन दो अभी वुल्वरीन के क्लॉज बोन्ड है, बट अभी भी एडमेंटियम उसके बाकी बोन्स पे वैसे ही कोटेड है। एंड इसी रीजन से जब वो अपने पीछे मैग्नीटो को देख के अटैक करने जाता है तो इयान मैककेलन का मैग्नीटो उसे कंट्रोल कर पाता है। बट साथ ही मैग्नीटो रिवील करता है कि एक न्यू एनिमी म्यूटेंट्स को एक्सटर्मिनेट करने वाला है, जिसके लिए उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। जब लोगन उसे ट्रस्ट ना करने की बात करता है तभी आसपास के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, कंफर्म करते हुए कि एंट्री हो रही है प्रोफेसर एक्स की। एंड ये भी है ओल्डर वर्जन वाला पैट्रिक स्टुअर्ट का प्रोफेसर एक्स। लोगन उसे क्वेश्चन करता है कि वो जिंदा कैसे है एंड एक्सेवियर उसे रिमाइंड कराता है कि ही इज नॉट द ओनली वन विद गिफ्ट्स, सेम डायलॉग जो उसने बोला था एक्समैन 2000 में लोगन से फर्स्ट टाइम एक्समैन में मिलने के बाद। एंड इसी बौखलाए हुए वुल्वरीन के फेस पे खत्म होती है ये मूवी और ये वीडियो भी। अब द लास्ट स्टैंड में मरने के बावजूद प्रोफेसर एक्स जिंदा कैसे है वो डिटेल मैंने डिस्कस किया है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास के ब्रेकडाउन में, तो अब नेक्स्ट एंड स्क्रीन से वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। ऑल्सो गाइज, अगर इस सीरीज को पसंद कर रहे हो तो प्लीज कमेंट भी करना, क्योंकि यही मुझे बूस्टअप करता है ये डिफिकल्ट टास्क कंटिन्यू करने को। एंड अब अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।